करना चाहेंगे। इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया गया है संसद में। आपको बता दें कि आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय की जाती है, और इसी के आधार पर कई संकेत भी मिलते हैं कि कल जो बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसकी दिशा क्या होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये बजट का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। 5 साल में विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, ये आर्थिक सर्वे कह रहा है। साथ ही 5 साल में किस तरह से वित्तीय घाटे में कमी का अनुमान लगाया गया है, ये भी इस सर्वे में कहा गया। 2019-20 में वित्तीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान जताया गया है। यानी कि अगर मुख्य तौर पर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है, जो अभी लगभग 3.3% है। 5 साल में विकास दर में बढ़ोतरी होगी, निवेश दर भी बढ़ेगी, ये तमाम बातें इस आर्थिक सर्वे में कही गई हैं। $5 अरब की अर्थव्यवस्था बनने के लिए 8% विकास दर जरूरी है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में कई ऐसे अहम बदलाव जिससे कि जो सेहत है अर्थव्यवस्था की वो बेहतर हो सके। जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7% रहने का अनुमान 2019-20 में इस सर्वे में बताया गया है। ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं आर्थिक सर्वे की। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है, जिससे कि एफडीआई आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। 5 साल में विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, निवेश दर भी बढ़ी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।